हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजुअल आर्ट हिस्ट्री चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कलाकार श्रृंखला में आज की जो महिला कलाकार हैं वो हैं नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी एक भारतीय समकालीन कलाकार, फोटोग्राफर, चित्रकार और ग्राफिक कलाकार हैं। ये फोटोग्राफी में भी काम की हैं, चित्रकला में भी काम किया है और प्रिंट मेकिंग में भी काम किया है। और ये अपने ब्लैक एंड वाइट चित्रों के लिए फेमस हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट कैनवास पर पेंटिंग करती हैं और काली और सफ़ेद रेखाएं से पेंटिंग की हैं। तो ये बहुत ही फेमस हैं। ये आप लोग इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये पोस्ट जो है कि क्वेश्चन पूछता भी है, पूछेगा भी आगे, और शायद नेट में पूछा भी है ये पेपर, मतलब ये क्वेश्चन कि अपने ब्लैक एंड वाइट आधारित चित्रों के लिए कौन फेमस है। तो नसरीन मोहम्मदी ब्लैक एंड वाइट रेखा और ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग के लिए ये बहुत ही चर्चित हैं। नसरीन मोहम्मदी का जन्म सन 1937 में कराची में पाकिस्तान में हुआ था। और इनके पिता की एक जो है कि फोटोग्राफी की दुकान थी। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन होता तो ये लोग मुंबई आ गए इनके पिता, और यहीं पे फोटोग्राफी की दुकान इनकी चलती थी। और यहीं से इनको जो है कि फोटोग्राफी का शौक़ बचपन से ही पैतृक जो काम था उसी से लगा था इनके नसरीन मोहम्मदी को भी फोटोग्राफी करने का शौक़। नसरीन मोहम्मदी 1954 में लंदन में सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट्स पढ़ाई के लिए चली गई और 1957 में वहाँ से वापस आई। 1954 में लंदन में सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है, ये कला की शिक्षा वहाँ से ली है लंदन से। और इन्हें 1961 में फ्रांस सरकार द्वारा एक स्कॉलरशिप मिली, जिसके ये ग्राफिक कला के अध्ययन के लिए ये पेरिस चली गई। एक स्कॉलरशिप मिली थी इनको 1961 में फ्रांस सरकार द्वारा, तो ये ग्राफिक कला के अध्ययन के लिए पेरिस चली गई। वहाँ से लौटने के बाद ये मुंबई के भूला भाई इंस्टीट्यूट फॉर द आर्ट्स के नाम से एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में, जहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार एम एफ हुसैन, बी एस गायतोंडे और तय मेहता काम करते थे। वहाँ आकर उस जो कि इंस्टीट्यूट में शामिल हो गई और वहाँ पे काम करने लगी। भूला भाई में शामिल होने के बाद एक इनकी पहली प्रदर्शनी मुंबई में हुई, जो गैलरी 59 है, उसमें इनकी जो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। और वहीं पर इनकी मुलाकात जयराम पटेल, प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार जो हैं उनसे होती है। और जयराम पटेल इनके एक अच्छे दोस्त बन गए और ये लोग नसरीन मोहम्मदी और जयराम पटेल अंतिम समय तक एक साथ पेंटिंग ग्रुप शो किया करते रहे और पेंटिंगें प्रदर्शनियां यात्राएं करते रहे। नसरीन मोहम्मदी मुंबई से 1972 में 1972 ईस्वी में गुजरात वापस आ गई बड़ौदा। और बड़ौदा में आने के बाद इन्हें जो है कि एमएस यूनिवर्सिटी में इनको जो है कि आर्ट के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मिल गई। महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय में इनको जो है कि कला संकाय में आर्ट प्रोफेसर जो है कि प्रोफेसर की नियुक्ति मिल गई। और यहाँ पर ये नसरीन मोहम्मदी जो है कि एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में पढ़ाने लगी। फिर जो इनकी जो विदेश यात्राएं हैं उसमें इन्होंने कुवैत, बहरीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और ईरान की यात्राएं की, यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा समय बिताया है। नसरीन बताती हैं कि मेरा जो प्रेरणा है, जहाँ से उनको प्रेरणा के स्रोत मिले हैं, वो इनको जो रेगिस्तान है, भारत का राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहाँ से, और इस्लामिक वास्तुकला और जैन सौंदर्य शास्त्र हैं, ये बताते हैं कि मेरे ये प्रेरणा हैं। नसरीन मोहम्मदी सिर्फ 53 ईयर की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, बहुत कम ही उम्र में, जो है कि 53 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और ये ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकी। 4 मई सन 1990 में इनकी मृत्यु हो गई।
इनकी जीवन शैली की बात करते हैं नसरीन मोहम्मदी की, तो एक बौद्ध भिक्षुणी की तरह इनकी जीवन शैली थी। और जब वह चित्र नहीं बनाती थी तब वो फोटोग्राफी करती थी। और इनके जो कि फोटोग्राफों में अक्सर किसी रेगिस्तान का या किसी वीरान गली, खाली जगह आदि, कीड़े मकोड़े का चित्रण करती थी, वो फोटोग्राफी करती थी, और वही इनके जो कि चित्रों में भी दिखता था। जब एम एफ हुसैन अपनी फिल्म थ्रू द आई ऑफ ए पेंटर की शूटिंग कर रहे थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध फेमस पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पूछता भी है कि एम एफ हुसैन की ये दे देगा नाम है ये फिल्म का, पूछेगा किस कलाकार पे आधारित है। थ्रू द आई ऑफ ए पेंटर जो है कि हुसैन साहब की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ये जब शूटिंग कर रहे थे इसकी, तो नसरीन मोहम्मदी इनके साथ गई थी वहाँ पे राजस्थान में, और वहाँ पे इन्होंने फोटोग्राफी किए थे रेगिस्तान की जो रेतीली हवा है, सपाट रेतीले टीले, लहरियाँ आदि, जो है कि वहाँ के जो रेत के ऊपर कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, उसके फोटोग्राफ बहुत सारे कलेक्शन किए थे और खींचे थे बहुत सारे। नसरीन मोहम्मदी के जो शुरुआती के चित्र थे, वो जो शुरुआती चित्र थे वो भूरे रंग मतलब ब्राउन कलर के या सूखे घास के तिनके के जैसे होते थे, और गहरा समुद्र, चिड़िया, बर्ड्स वगैरह के, और चौकोर कैनवास पर बनाती थी। मतलब चिड़िया है या समुद्र का दृश्य है या घास के तिनके, इस प्रकार के जो पेंट करती थी वो वर्ग कैनवास पे पेंट करती थी पहले शुरुआती में, और ज्यामिति आकारों में जो कि सफ़ेद कागज पर पेंसिल से बना लेंगे, उसके बाद रेखाएं करती थी। यूजेन हेरिगिल की लिखी पुस्तक जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी 1948 ईस्वी में जर्मनी में प्रकाशित हुई, और नसरीन मोहम्मदी की यह प्रिय पुस्तकों में से एक थी। जब ये पश्चिमी कला मतलब विदेशों में जाती थी, तो नसरीन एग्नेस बर्निस मार्टिन, अमूर्त चित्रकार हैं एक अमेरिका के, एग्नेस बर्निस मार्टिन एक अवस्ट्रिक चित्रकार हैं जो अमेरिका के हैं, तो इनको उसके साथ जोड़कर देखा जाता था, मतलब उनके साथ समानता की जाती थी पश्चिमी कलाकार में और इंडियन कलाकार में। तो नसरीन मोहम्मदी को एग्नेस बर्निस मार्टिन चित्रकार के साथ जो है कि कंपेयर किया जाता था। ये उसके उस चित्रकार के साथ जो है कि सन 2007 में जर्मनी के एक कैसल में आयोजित डॉक्यूमेंट्री में शामिल हुई थी, और इन्होंने वहाँ पे जो है कि अर्नोल्ड बोर्डे द्वारा 1955 में शुरू की गई एक प्रत्येक डॉक्यूमेंट्री में 100 दिन की प्रदर्शनी तक जो की थी, मतलब अनरोल्ड बोर्डे द्वारा एक 1955 में प्रदर्शनी हुई थी जर्मनी में, तो वहाँ पे 100 दिनों की एक प्रदर्शनी भी की थी, और उसे 100 दिनों का संग्रहालय भी कहा जाता है, उसको 100 ईयर का म्यूजियम भी कहा जाता है इसको। वहाँ पे इन्होंने 100 दिन की प्रदर्शनी की थी अर्नोल्ड बोल्डे के द्वारा जो है कि जर्मनी में किया गया था। तो नसरीन मोहम्मदी 1960 और 70 के दशक में, 1960 और 1970 के दशक में भारत के कई प्रमुख कलाकारों के साथ जो है कि काम करती नज़र आईं, जिसमें गायतुंडे, तय मेहता और एम एफ हुसैन, भूपेन कक्कर, गुलाम मोहम्मद सिंह, अर्पिता सिंह, ये सब थे। नसरीन मोहम्मदी कलाकृतियां जो हैं उनकी एक स्वयं विशिष्ट की शैली में बनाई हैं, जो उनकी कलाकृतियां हैं एक स्वयं विशिष्ट शैली में इनकी बनी हुई है। नसरीन मोहम्मदी की जो चित्रण शैली है वो भारतीय मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी, मुगल और ईरानी आदि पेंटिंगों से ये
है कि प्रभावित हैं। ये क्वेश्चन TGT में आया भी था पिछली बार कि नसरीन मोहम्मदी किन शैलियों से प्रभावित हैं, तो उसमें ऑप्शन में ये तीनों था, ईरानी, राजस्थानी, मुगल, तो उपरोक्त लिखा था सभी, तो सभी सही उसमें हुआ था। ये सभी जो है कि मुगल शैलियों से प्रभावित थी, जिसमें कि आपका राजस्थानी हो गया, मुगल वास्तुकला हो गया, ईरानी शैली हो गई, तो इससे ये प्रभावित थी उससे। और जैन बौद्ध धर्म आदि जितने मतलब पाल शैली, सभी जितनी मुगल शैलियाँ हैं, इंडियन जो मिनिएचर हैं, उससे प्रभावित रहेंगे। नसरीन मोहम्मदी पेंसिल ग्रेफाइट के अलावा विभिन्न माध्यम जैसे स्केच, कैनवस, वाटर कलर और ऑयल कलर में भी काम किया है। इनका सबसे जो पसंदीदा माध्यम था, फेवरेट माध्यम था, वो पेंसिल और कागज़, मतलब पेंसिल से करती थी ऑन पेपर, पेपर के ऊपर काम करने का जो है पेंसिल में इनका सबसे जो है कि फेवरेट माध्यम है। नसरीन मोहम्मदी की जो फोटो वर्क की पहली प्रदर्शनी 2003 में न्यूयॉर्क के तलवार गैलरी में लगी थी, 2003 में जो है कि 2003 में इनकी जो भारत के बाहर, यहाँ तो इंडिया में होती ही थी लेकिन विदेशों में पहली प्रदर्शनी की हुई थी 2003 में, और तलवार जो गैलरी है न्यूयॉर्क, वहाँ पर इनकी पहली प्रदर्शनी हुई थी, और दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में इनके कुछ चित्र प्रदर्शित हैं, जिसमें से एक प्रमुख चित्र है ड्राइंग, जो कागज़ स्याही से बना हुआ है, मतलब कागज़ पे बना है इंक से, तो ड्राइंग बहुत ही इनका अच्छा उदाहरण है, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र है इनका। नसरीन मोहम्मदी के चित्रों की बात करें तो ज़्यादातर अनटाइटल के नाम से इन्होंने पेंट किया है, और इनका ये कभी पेंटिंग जो है फेमस है वो ड्राइंग है, जो स्याही और इंक से हुआ है। नसरीन एट द टेट लिवरपूल, एक ये इनकी पेंटिंग है, और नाइट डोले, तो ये इनकी प्रमुख पेंटिंगें हैं। और आज की जो महिला कलाकार थी, बहुत ही प्रमुख कलाकार हैं, आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ये महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग जो है कि इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, और परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को जो इसमें बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा। तो चलिए आज के लिए नसरीन मोहम्मदी, और अगले वीडियो में हम फिर दूसरे कलाकार के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए दोस्तों में। थैंक यू सो मच।